गाड़ी में डिग्गी में कुछ मेंबर आने आप रुके ये नंबर ही सारे साथ लाए हैं। सबसे पहले तो ये कि कोई है या नहीं है, 26 तरवीन पास होने जा रही है आज ही आज रात रात में, तो बहुत टाइम भाई। एक दूसरा है कि अगर आ जाएंगे तो इज्जत बचेगी, नहीं आएंगे तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। हीरो से जीरो होने में देर नहीं लगती, समझ गए आप। और जो रोने धोने कर रहे हैं अभी से कि जी ये हो गया और वो हो गया, आपको क्लैरिफिकेशन नहीं होगी। अगर आपने 26 तरमीम हो जानी है, आपको पता है और आपने रोना गाना करना है, तो जाओ, कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है। समझते हो उठाया है, जाओ समझते रहो, तशद्दुद किया है समझते रहो, पैसा दिया है समझते रहो, समझ का तो हमारे आपस कोई हाल नहीं है, लेकिन कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। देर विल बी नो फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑन ऑल दिस एलिगेशन, कोई क्लैरिफिकेशन अब नहीं होगी। जिसने जो समझना है, जिसने जो इल्ज़ाम लगाने वो लगाता रहे, क्योंकि उनको पता है 26 तरमीम होनी है, रोना गाने के लिए पहली प्लानिंग होगी। और जो बिकाऊ बाल है उनकी शक्लें आज आपने देखी हुई है, अंदर ही कहानी बाद में आके बताऊंगा बहुत सारी बातें। आपके पास देर क्यों की है, देर क्यों की है, अगर आनी तरमीम पास होनी है। नहीं पीटीए के कितने मेंबर थे आपके पास, बता देना। देर क्यों की है, अगर नंबर पूरे, अगर तरमीम होनी है तो देर क्यों की है सर? अभी अगर पास होनी भी है तो आपको ठीक बताया है, आएगा कोई नहीं आएगा, तरबीब होगी, परेशानी। आप क्यों परेशान होते हैं यार, आप लोग क्यों परेशान होते हैं सर? फाइनल राउंड बिल्कुल ना हो, फाइनल राउंड शुरू हो गया, कौन परेशान है सर? फाइनल राउंड कैसे लाए, फाइनल राउंड शुरू हो गया सर। अगर आपने आर्टिकल 8 को नहीं छेड़ा तो किसी इस होम्योपैथिक किस्म की तरमीम की जरूरत क्यों पेश? देखिए सर, हम छेड़ने पे यूं करके यूं छेड़े या यूं छेड़े, छेड़ेंगे सब कुछ। अच्छा ये बताएं सर, सवाल तो ये सर, अब आते हुए सवाल होने हैं एक्चुअली, आज होने अब वापसी पर आप लोग सवाल कर रहे हैं और मेरे जवाब दे रहे हैं। सर मौलाना साहब समझदार समझदार लीडर आएंगे जो है वो कह रहे हैं कि सहूलियात नहीं दी जा रही, अखबार भी नहीं दिया जा रहा, टीवी नहीं दिया जा रहा, लाइट जो है वो नहीं मिल रही, उनको अंधेरे में रखा हुआ है खान साहब। 4 से 5 दिन बंद रही है, 4 से 5 दिन जो है उन्होंने वर्जिश नहीं की है, नारियल का जूस है, उनको उनको यहाँ तक पहुँचाने वाला जो बुकाऊ माल था, आज आप उनकी शक्लें देख ली, मैं आपको अंदर की कहानी आके बताऊँगा, सारी चीज़ें सब बताऊंगा, एक एक क्यों बताऊंगा, लम्बा पर लम्बा बताऊंगा, इनकी शक्लें के चेहरे अचरे में क्यों ये गए केपी हाउस, क्यों नहीं मौलाना साहब के आगे सवालों के जवाब करेंगे सर। जनेश छोटा सवाल है, बिकाऊ माल पकड़ा गया, पाकिस्तानी कौम को समझ में आ गया कि ये वो लोग हैं जिन्होंने पीटीआई को बर्बाद किया, इमरान खान साहब से वो काम करवा के उस जगह किया और उसको जेल में बिठा के कुछ मजे लूट रहे, और इन्होंने तहरीके इंसाफ ने एक्चुअली ये लीडरशिप ने जो बाहर है उन्होंने इस गवर्नमेंट को इंडोर्स कर दिया जिसको फॉर्म 47 कहते थे। अब उनके साथ बैठे तरमीम पे बात की तो भी लीगल थे, उनसे ही फरमाइश की कि हमारी मुलाकात करा दें, तो इसका मतलब सरकार तो लीगल कर दी ना इन्होंने। अब आप इनसे सवाल करें, कौम इनसे सवाल करें, कौम को चाहिए कि जो इमरान खान साहब का प्यार करते हैं वो इनका असली चेहरा देखें और अब इनका जीना दोबर करें, जो खान को बेच कर खान को जेल में अल्लाह ना करे और पता नहीं क्या कुछ करवाते उससे या करवाएंगे और ये मज़े ले रहे हैं। लेकिन अभी जो मेन मुद्दा है वो मुद्दा ये है कि आएंगे तो इज्जत रह जाएगी, नहीं आएंगे तो तरमीम हो जाएगी, इज्जत नहीं रहेगी। अब फैसला आपका, हम तो आगे बढ़ रहे हैं। विद और विदाउट यू एक यूट्यूब का गाना है, बड़ा अंग्रेजी पुराना, आप लोग सुने, मजा आएगा वापसी। आप सर बड़े बाखबर हैं और अली अमीन गंडापुर के हवाले से, उनके इस्तीफे के हवाले से भी कोई खबरें गर्दश कर रही है तो क्या? गंडापुर मेरा भाई है, उसको क्या ये ना करें, गंडा गंडा चूस है बस। गंडापुर आपका भाई और मौसम रखने का क्या रात की महंगल से बुलाना पहुँच चुके हैं, आप देख सकते हैं इससे पहले इस सिलसिले में आना पड़ा सर। अब तो हुकूमत भी मौजूद है, अब तो आपकी उम्मीद है कि बात सुनी जाएगी। हुकूमत है कहाँ पे जो यहाँ मौजूद है, जैसी भी है यहाँ बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद है, नायब वज़ीर आज़म मौजूद है, वज़ीर दाखिला मौजूद है, वज़ीर दाखिला से जुड़े हुए आपके मसाइल हैं। मेरे मसाले नहीं भाई, मेरे मसाले क्या थे? आज से कैसे जुड़े आपको बुलाया गया या अल्लाह के बंदों से जुड़े सर? बुलाया गया या खुद से आए हैं? आपकी पहले भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात हुई है, कैसे देखते हैं? मौलाना की अगर इस टाइम मुलाकात खेत हुए ना सर, भाई 12 अभी तक नहीं बजे ना।